वाराणसी में चार ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं चार थानों में, शामली में तीन ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं तीन थानों में, मेरठ में सात ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो आठ थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं, बरेली में केवल एक हॉटस्पॉट है वो एक ही थाने में है, बुलंदशहर में तीन हॉटस्पॉट है तीन थानों में है, बस्ती में तीन हॉटस्पॉट है दो थानों में है, फिरोजाबाद में तीन हॉटस्पॉट है एक थाने में है, सहारनपुर में चार हॉटस्पॉट है चार थानों में है, महाराजगंज में चार हॉटस्पॉट है दो थानों में है, सीतापुर में केवल एक हॉटस्पॉट है एक थाने में है, और लखनऊ में आठ बड़े हॉटस्पॉट है चार छोटे हॉटस्पॉट है ग्यारह थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी, और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है, केवल इन हॉटस्पॉट में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम और एसपी को और पुलिस कमिश्नर को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताए। हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 15 जनपद है जिनके विषय में आपको भी प्रमुख सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे, तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं वो एरिया जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाए। उसका रीजन ये है कि किसी तरह का इंफेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और वो व्यवस्था यह है कि सबसे पहले वहां का सैनिटेशन विशेष रूप से इंप्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहां पर जितना फायर सर्विस की गाइडलाइन इस काम में लगाई गई है उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना, वहां पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड है उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहां पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं वहां पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज को डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा, यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा कौन आदमी कहां किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहां पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहां पर वो लोग रहे हैं उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पर जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके हम एरिया को बिल्कुल सर्टिफिकेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, एनहेंस्ड सैनिटेशन लोअर स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन इस पर होने की कोई संभावना ना रहे, ये व्यवस्था हमारी है। इसमें तीन चार चीजें और बता दूं, एक तो नए फायर ब्रिगेड आज भेजे गए हैं हर जिले में, आपने खुद ही देखा होगा, तो
इन फायर ब्रिगेड से सैनिटेशन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का जो है सैनिटेशन भी कराया जाएगा। इन एरियाज में 112 यूपी 112 की गाड़ियां विशेष रूप से रखी जाएंगी। लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके लोगों को जो है सूचना भी दी जाएगी, आगाह भी किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो पुलिस ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेगी। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह या राशन दुकान है उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा, और वहां पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स को जा सकेंगे, तो जिससे कि वहां आवाजाही कम रहे और वहां संख्या लोगों की बहुत ही सीमित रहे। तो ये चीजें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पूरा जिला नहीं लिया गया है, हम फिर से आपको स्पष्ट कर दें, केवल बहुत ही लिमिटेड एरिया जहां पर कि लोग ऐसे पाए गए हैं जहां उनके हित में, पब्लिक के हित में, उन घरों के हित में, उन लोगों के हित में, उस एरिया और मोहल्ले के हित में, वहां ये कार्रवाई की गई। जैसे जैसे कुछ एरियाज में लॉकडाउन का जो है पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 14 दिन पूरी हो जाएंगे, जैसे आगरा में पहले कुछ 3 या 4 जगह थे वो पूरे हो गए थे, तो वो वैसे वैसे खोल दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये व्यवस्था 15 की सुबह तक यानी 14 तारीख तक ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कहीं किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। HCR के एरिया में 1-2 जगह पर इस तरह की सूचना मिली थी कि लोग अनावश्यक रूप से खरीदने के लिए निकले थे, उचित नहीं। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया आज अपनी ब्रीफिंग करने। हाँ जी बताइए। अब उसको हमने क्लैरिफाई आपको कर दिया है, अब आप जो सही स्थिति है वो जो है लोगों को बताए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, धन्यवाद। 15 की सुबह तक जब तक की लॉकडाउन की व्यवस्था अभी है आपको वर्तमान में है, वैसे ही तभी कर दिया गया। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि आप अपना डिटेल दें। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है, कुल मिलाकर के प्रदेश में 343 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनमें से 187 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के केसेस हैं। 26 लोग उपचारित होकर के 187 इसमें से 26 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी सूचना मिली कि पीलीभीत में एक महिला है शकीला, जिनकी उम्र 73 साल है, उनकी भी सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया था, एक हम लोगों ने यह शासनादेश जारी किया है कि पूलिंग ऑफ पेशेंट्स होगा, 2-3 जिलों के पेशेंट एक ही जगह रख लिए जाएंगे, जिससे रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट हो। अगर किसी जिले में 1 या 2 मामले आते हैं और दूसरे जिले में भी 1 या 2 मामले आते हैं, तो उन चारों मरीजों को एक ही अस्पताल में रख लिया जाएगा। इसको हम पूलिंग ऑफ पेशेंट्स नाम हमने दिया है, ताकि जो मैन पावर है, हेल्थ केयर टीम है, उसका एक्सपोजर सिर्फ एक हेल्थ केयर टीम का एक्सपोजर होगा, 2 हेल्थ केयर टीम एक बार में एक्सपोज नहीं होगी। साथ ही साथ जो कंज्यूमेबल्स हैं, पीपीई किट्स हैं और चीजें हैं, 95 मास्क है, उनका भी जुडिशियस मैनेजमेंट हो सकेगा। आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के विषय में बिल्कुल जानकारी है, मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, L1, L2, L3। उसके अलावा कल हम लोगों ने एक और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हम लोगों ने एक और नई कैटेगरी जिसका नाम L1 अटैच्ड फैसिलिटीज या L1 के समकक्ष इकाइयां उनका नाम रखा है। ये वो इकाइयां होंगी जो केस मैनेजमेंट हो रहा है प्रदेश में कोविड के पेशेंट्स का, उसमें ये देखा गया कि 75% केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, ना कोई बुखार, ना कोई सर्दी खांसी जुकाम, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है और उनका कोई केस मैनेजमेंट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वैसे को देखते हुए कि 75% केसेस ऐसे आ रहे हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया गया, उसको 50% मानते हुए हमने, जो कि वो 75% है, 1:1 के रेशियो पर हमने L1 अटैच्ड फैसिलिटी में बेड्स क्रिएट कर रहे हैं।
तो हमारे लगभग 10,000 बेड्स L1, L2, L3 में है, उसी के बराबर 10,000 बेड्स हम L1 अटैच फैसिलिटी में क्रिएट करने जा रहे हैं। ये अस्पताल नहीं है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये L1 अटैच फैसिलिटी जो है, L1 या L2 के पास कोई बिल्डिंग होगी, हॉस्टल होगा, लॉज होगा या कोई होटल होगा, उसमें हम 100 या 125 बेड्स का की फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम उतने पेशेंट्स को जो एसिम्टोमेटिक होंगे उनका मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट वहां किया जा सकेगा। इस प्रकार से जो अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है जिसकी कोई हम संभावना नहीं देखते, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास 20,000 पेशेंट्स को एक बार में रखने की हमारी व्यवस्था होगी। एक हम लोगों ने जो केसेस आए हैं उनका हमने एक एज वाइज एनालिसिस किया है, उसमें हम लोगों ने यह पाया कि जो 0 से 20 वाला एज ग्रुप है उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 0 to 20 में सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में, 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में है, 41 से 60 के कैटेगरी में 27% मरीज है, और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60 प्लस वाले लोग केवल 13% है जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं, 41 से 60 वाले 27%, 21 से 40 वाले 44% और 0 से 20 वाले 16%, यानी सबसे बुजुर्ग और सबसे जो कम एज के लोग हैं उनका प्रतिशत कम है, बीच वालों का प्रतिशत ज्यादा है। जो इसमें एक दवा होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, वो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों, सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो सीधे COVID-19 के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग प्रोफाइलैक्टिक के रूप में रिकमेंडेड है, तो वो टैबलेट हर जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है। बाकी की लॉजिस्टिक्स भी लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोगों की अभी भारत सरकार से VC चल रही है और जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स है, CMOs है, CMS है, उनके साथ भी VC चल रही है। अब हम लोग कल से टेस्टिंग को रैंप अप करने जा रहे हैं। अभी तक हम 700-800 सैंपल हम कर रहे थे, अब हमारी कोशिश यह होगी कि कल से हम इसको डबल कर दें और हम 1,500 के करीब सैंपल हम प्रतिदिन हम प्राप्त करें। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहां भी जो इंफ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स वाले मामले होते हैं कम्युनिटी में, या जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस होते हैं जिनको हम सारी कहते हैं, उनके केसेस के सबके सैंपलिंग किया जाएगा ताकि ये मालूम पड़ सके कि कम्युनिटी में किसी प्रकार का ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन कम्युनिटी में नहीं, कहने का मतलब उस एरिया में किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन तो नहीं है। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे थे, जिनमें गाइडलाइंस के हिसाब से भी हमको बहुत ही कम सैंपल्स लेने थे, वहां भी हम अपने सैंपलिंग को रैंप अप कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी संभावना को बिल्कुल रूल आउट किया जा सके। जैसा आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आज निर्देश दिया है कि जहां भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं वहां लॉकडाउन का बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स कराया जाए ताकि लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जो वॉलेंटरली वो लोग निकलने के बाद उसको ब्रीच कर देते हैं वो बिल्कुल ब्रीच ना होने पाए, जिससे कि जो जो ये कंटेजियन है, जो ये इंफेक्शन है, उस इंफेक्शन को जहां है उसको वहीं पर थामा जा सके और इसको थाम करके जो इंफेक्शन का रेट है उसको हम लोग बिल्कुल बहुत कम कर सके। आपने देखा होगा कि पीछे 5-6 दिनों में जब से तबलीगी जमात के केस आने शुरू हुए थे तो एकाएक एक स्पाइक आया था, बहुत बड़ा जंप आया था, अब वो जंप जो आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हमने उन सारे लोगों को निकाल करके उनकी टेस्टिंग हमने कर ली, तो अब बहुत जरूरी है कि जो लोग भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं या फॉरेन से जो लोग आए थे उनके जो कॉन्टैक्ट है उन सबों में किसी प्रकार का इंफेक्शन सर्कुलेट नहीं करे, उसके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग जो बहुत जरूरी है, साबुन पानी से लगातार अपने हाथ को धोते रहना जिससे कि इंफेक्शन आपके मुंह, हाथ और नाक के जरिए आपके शरीर में न जा सके वो, और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें,
आपके माध्यम से हमको जनता को बताना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। इसके लिए नीम की पत्ती का सेवन या तुलसी अदरक का काढ़े का सेवन, इस तरह की चीजें होते हैं, गिलोय का सेवन, गर्म पानी पीना, ये सब करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मास्क लगा रखा है वो हमने आपको एक एडवाइस भी आपने देखा होगा हमने जारी की थी, अब उसको हम लोग एपिडेमिक नोटिफिकेशन के अंतर्गत एक ऑर्डर करने जा रहे हैं कि हर आदमी को जो बाहर निकलेगा हर व्यक्ति उसको अपने चेहरे को कवर करना आवश्यक होगा, चाहे वो मास्क से करे, चाहे वो गमछे से करे या तौलिए से करे या रुमाल से करे या दुपट्टा से करे, बट अपने चेहरे को कवर करना होगा जिससे कि संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाए। क्वारंटाइन में भी हमारे इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, सहारनपुर में 795 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, शामली में 243, लखनऊ में 147, आगरा में 400, मेरठ में 342, गौतम बुद्ध नगर में 657। इस तरह से जो संक्रमण को कंट्रोल करने के नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तेजी से पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। धन्यवाद। लखनऊ के पॉजिटिव केस की कुल संख्या है देखिए 24, आगरा 64, लखनऊ 24, गाजियाबाद 23, गौतम बुद्ध नगर 58 और मेरठ 35, ये सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले। देखिए ऐसा है कि जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है वो यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की साझा स्ट्रेटेजी बन रही है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के उसमें निर्देश आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है और हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जब हमारे नंबर्स फिर से गिरने शुरू हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम एग्रेसिव कंटेनमेंट करें, और एग्रेसिव कंटेनमेंट तभी होगा जब हम टेस्टिंग रैंप अप करेंगे, और अगर कोई भी केस आता है उसको उसके कॉन्टैक्ट को हम फैसिलिटी में ले आएंगे तभी हम इंफेक्शन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। एंटीबॉडी टेस्ट किट में हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसका हमारा टेंडर 11th को खुल रहा है, और अदरवाइज भी जो वेंडर्स जिन्होंने हर स्टेट को सप्लाई किया है उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उसके पहले भी हमको कुछ सप्लाई कर सके तो हम एंटीबॉडी जो टेस्ट किट्स है उनको भी हम यूज करेंगे। उसको हम प्राइमरली हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन है उसमें और जो कंटेनमेंट जोन होगा उसमें हम यूज करेंगे। थैंक यू। मैं एक चीज बता दूं टेस्टिंग के बारे में, आपको कल भी बताया था, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। यूपी में जब कोरोना का पहला केस आया था एक भी टेस्टिंग लैब उत्तर प्रदेश में नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हर हालत में प्रदेश में टेस्टिंग को मजबूत किया जाए। आज की तारीख में 10 लैब टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, और अब जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसको भी बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा जिससे हमारी रेगुलर टेस्टिंग की मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी। जो एंटीबॉडी टेस्ट है जो उससे पॉजिटिव आएंगे केवल उनको हम टेकअप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग की व्यवस्था के लिए, जो कल हमने आपको बताया था जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं 10 उनको अपग्रेड करके BSL 3 लेवल पर ले जाने के लिए, यानी जिस तरह की PGI और हमारी KGMC की लैब्स है उस लेवल तक ले जाने के लिए 10 मेडिकल कॉलेज उन्होंने ऑलरेडी आदेश कर दिया है जहां एग्जिस्टिंग लैब्स हैं। सेकंड, जो 14 मेडिकल कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के हैं जहां अभी माइक्रोबायोलॉजी लैब में होकर टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां भी टेस्टिंग शुरू की जाए, तो 10 ये प्लस 14। इसके अलावा 6 मंडल ऐसे हैं जहां सरकारी विद्यालय मेडिकल कॉलेज नहीं है, यानी अलीगढ़ और BHU में कोई स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं है। बरेली, मुरादाबाद, मिर्जापुर और देवीपाटन मंडल यानी गोंडा में नहीं है। 6 और मंडल मुख्यालय पर भी नए सिरे से टेस्टिंग लैब जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू की जाएगी। इसके अलावा जो जनपद जहां बिल्कुल भी कोई लैब फिर नहीं होगी वहां कलेक्शन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। बड़ी मात्रा में टेस्टिंग की व्यवस्था लॉन्ग टर्म में इस प्रकार का कोई भी पैथोजन अगर आता है
कोई भी अगर वायरस आगे भविष्य में भी आता है उसकी तैयारी की जा रही है और उसके लिए निर्देश माननीय मुखर्जी जी ने कल दिया था। आज भी उस संदर्भ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने डिटेल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के समक्ष दी है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि तबलीगी जमात और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं और उनके जो पूरा क्वारंटाइन है उसके बारे में डीजीपी साहब और अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वो बारे में डीजीपी साहब बताएं। एक सवाल तो ये उनमें जहां हॉटस्पॉट होंगे वहां मैकेनिज्म ये होगा कि डोर टू डोर खाने की व्यवस्था, डोर टू डोर अगर कुक फूड भी पहुंचाने की जरूरत है वो भी पहुंचाया जाएगा, दूध पहुंचाया जाएगा, सब्जी और फल पहुंचाया जाएगा और डोर टू डोर वहां पर जो है किराने का दुकान और मेडिसिन भी पहुंचाया जाएगा। हाँ वो अलग अलग जगह पर मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है एरिया कितना है। उसमें मैंने आपको थानों की संख्या भी बता दी कि एक जिले के हॉटस्पॉट कितने और थाने कितने हैं, केवल उन एरिया में लिमिटेड एरिया पर है। देखिए अगर वहां एसेंशियल सर्विस में जुड़े हुए लोग होंगे, डॉक्टर होंगे तो उनके लिए विशेष व्यवस्था करी जाएगी, अगर वहां अंदर ही जर्नलिस्ट रह रहे होंगे तो उनके लिए विशेष रूप से देख लिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः किसी और को जाने नहीं दिया जाएगा, केवल अंदर के लोगों की व्यवस्था की जाएगी। हाँ जी हाँ जी, हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने के लिए डिटेल सैनिटाइजेशन होगा। आज ही आपने देखा है कैसे जो है फायर ब्रिगेड्स के माध्यम से हाइपोक्लोराइड डालकर जो है सैनिटाइज किया जाता है, बहुत डिटेलिंग और सैनिटाइजिंग किया जाए, लोगों के हित की बात है, वहां पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत है, वहां लोगों के सहयोग की जरूरत है। वो देख लेंगे, अगर कोई शिकायत हो उसको दूर कर देंगे। हम ये बता दें आपको एक चीज जरूर बता दें, मास्क पहना अनिवार्य कर दिया गया, यदि आप में से कुछ लोग मास्क नहीं पहने तो मास्क जरूर पहन लीजिए और मास्क न पहनने पर कार्रवाई भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए जहां तक 15 तारीख तक की बात है कार्रवाई आपको बता दी गई है, लॉकडाउन आगे कैसे खुलेगा क्या उसकी चरणबद्ध प्रक्रिया होगी वो आगे जब समय रहेगा तो आपको बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, सैनिटाइजेशन के लिए बहुत भारी मात्रा में बजट हर जिले को विद इन दी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दे दिया गया है, चिकित्सा विभाग को अलग से दिया गया है, नगर निगमों को अलग से दिया गया, तो जो भी एजेंसी काम कर रही है उनको दिया जा रहा है। पुलिस ने भी मांग की है सैनिटाइजेशन और प्रोटेक्टिव गियर की, उनको भी बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर बजट दे दिया जाए। हाँ और आप सर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट की हम शेयर कर लेते हैं जो रोज की जाती है। देखिए इसमें जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं वायोलेशन में लॉकडाउन के, उनकी संख्या रही है अब तक 11,461। इसमें जो अभियुक्तों की संख्या है वो 37,082 और जो एसेंशियल पेनल्टीज के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 269 और जिन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 349। तमाम सही बयान निकल रहे हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान नहीं निकलना चाहिए था उनके विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है वो इस प्रकार है। कुल वाहन जो चेक किए गए हैं वो है 12,45,793 और इसमें जो चालान किए गए हैं 2,75,438 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। श्रमिक शुल्क करीब 5.25 करोड़ अब तक वसूलने की कार्रवाई की गई है। जहां तक तबलीग जमात में शामिल लोगों के प्रदेश में आने और उनके कार्रवाई, उनके मेडिकल चेकअप इत्यादि की क्वारंटाइन की कार्रवाई का प्रश्न है,